Creatrix Channel, Channel, my my dear dear friends. friends. So we We are are live live again again at 7 p.m. for for another lecture on power system. We are live again for another lecture lecture on on power power system. system. And I welcome you all to the Creatrix channel, my dear friends. तो आप सभी का स्वागत है अगले लेक्चर में पावर सिस्टम के और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है मेरे भाई आज का टॉपिक होने वाला इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन तो मैं आपको इंडक्टेंस का बेसिक आइडिया आज देने वाला हूं और ऐसा करना इसलिए जरूरी है

और पावर सिस्टम एकदम मशीन की तरह करा दो तो मैं आपको पावर सिस्टम एक लेवल और ऊपर लेके जा रहा हूं मशीन से भी एक लेवल आगे लेके जा रहा हूं जहां पे कि हम लोग विजुअलाइज भी कर रहे हैं समझ भी रहे हैं डिराइव भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में क्वेश्चन भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन हम लोग मशीन से भी एक लेवल ऊपर आ गए हैं और जिन लोगों को नहीं पता इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल मशीन का कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है तो आप डिटेल में मशीन कवर कर सकते हो और सैटरडे संडे मशीन का क्रैश कोर्स करा रहा हूं वो भी अटेंड कर सकते हो अब देखो मेरे भाई अगर आपको गेट और ए में टॉप रैंक चाहिए तो आपके पास अन अकेडमी लर्निंग एप होना जरूरी है क्योंकि जिस किसी के पास अन अकेडमी लर्निंग एप होगी दे कैन अटेंड ऑल द लेक्चर्स बाय टॉप एजुकेटर अन अकेडमी ऐप पे इंडिया के सारे बड़े बड़े एजुकेटर फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं आप जाके अटेंड कर सकते हो बस ऐप डाउनलोड कर लो और आपको उसके बाद क्या करना है उसके बाद ब्राउजर में यानी गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोर में ये लिंक डाल देना ये लिंक डाल देना ठीक है ये 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 लिंक अगर ये लिंक अगर डालोगे डालोगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस जो होने वाली हैं वो मिल जाएंगी अपकमिंग स्पेशल क्लास में और मेरे भाई जो हो चुकी हैं वो मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज फोल्डर में पावर सिस्टम नेटवर्क मशीन सिग्नल एनालग ये सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी और इससे फायदा क्या होगा कि जितने भी टॉपिक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं जैसे पावर सिस्टम में भी मैंने फॉल्ट और लोड फ्लो को छोड़ के सारा कुछ यहाँ कवर करा रखा है तो आप चाहोगे तो आप देख सकते हो डायरेक्टली एनालॉग में बीजेटी मॉस्फेट कवर करा रखा है वो कवर कर लो क्योंकि इस संडे मॉस एनालॉग का टेस्ट ले रहा हूं इस संडे अन अकेडमी एप पे एनालॉग का टेस्ट ले रहा हूं तो अन अकेडमी ऐप पे टेस्ट सीरीज लाइव क्विज फ्री लेक्चर सब कुछ चलता है इसीलिए ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना अब इसके अलावा देखो प्लस पे भी आ सकते हो मेरे भाई प्लस पे आने से क्या मिलता है सभी बड़े एजुकेटर्स टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस डेली प्रैक्टिस पेपर होमवर्क के लिए ठीक है संडे क्विजेस इसके अलावा टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक मिलता है इसके अलावा क्रैश कोर्स रैंक इंप्रूवमेंट बैच डाउट बैच जैसे मैं हर हफ्ते एक घंटा सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स के डाउट सॉल्व करता हूँ मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट uh, ये चारों सब्जेक्ट के ये चारों सब्जेक्ट के डाउट मैं सोल्व करता हूँ तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलती है प्लस पे और आइकॉनिक पे आओगे तो और बेहतर है आइकॉनिक पे मिल जाएगा पर्सनल कोच अब मेरे भाई ये जो पर्सनल कोच है ना ये आपके लिए सारी स्ट्रेटेजी बनवाएगा शेड्यूल बनवाएगा टाइम टेबल बनवाएगा डेली का हर चीज करवाएगा और आपकी टेस्ट सीरीज के एनालिसिस को देखते हुए आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस भी बताएगा आपको इंप्रूवमेंट की स्ट्रैटेजी भी बताएगा तो जब इतने सारे प्लान आपके पास ऑलरेडी होंगे ठीक है इतने सारे प्लान जब आपके पास ऑलरेडी होंगे तो मेरे भाई कभी भी डी आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप मोटिवेटेड वे में बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो इसके अलावा स्टडी मटेरियल मिलेगा आइकॉनिक के अंदर नोट्स और क्वेश्चन बैंक मेंस का क्यू एंड ए प्रैक्टिस मिलेगा स्टडी प्लानर मिलेगा और इसके अलावा एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेंगी ठीक है और बहुत तेजी से निकल रहा आइकॉनिक में बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं जिन्होंने प्लस लिया था वो भी अपग्रेड कर चुके हैं तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन कर लो जो भी बढ़िया लगे बट आपको कोड याद रखना है अंकित ई इस कोड से आओगे इमिजिएट टेन डिस्काउंट पाओगे और साथ साथ मेरी गाइडेंस में पढ़ पाओगे लेकिन अगर लेट हो गए अगर लेट हो गए मेरे भाई तो इस मंथ इसका प्राइस बढ़ने वाला है प्राइस बढ़ गया तो बाद में पछताओगे ठीक है उससे बढ़िया है कि अभी अन अकेडमी पे आ जाओ बाद में रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है ठीक है भाई चलो इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं तो आज के टॉपिक पे चलते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन तो इंडक्टेंस पे जाने से पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं इक्वलेंट सर्किट के बारे में ठीक है इक्वलेंट सर्किट के बारे में बात करता हूं तो इक्वलेंट सर्किट के अंदर क्या क्या दिखाते हैं पहले तो बात कर लो इक्वलेंट सर्किट होता क्या है क्योंकि बहुत लोगों को ये भी क्लैरिटी नहीं होती इक्वलेंट सर्किट का मीनिंग क्या है इक्वलेंट सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिस सर्किट से अगर आप पैरामीटर डिराइव करो वोल्टेज करेंट इम्पिडेंस कुछ भी ये पैरामीटर प्रैक्टिकल लाइन के कंपेरिटिव रहेंगे या प्रैक्टिकल लाइन के क्लोज रहेंगे क्लोज रहेंगे समझ रहे हो तो मेरे भाई अगर कोई भी सर्किट एक्चुअल सिस्टम के जैसा रिजल्ट दे दे तो दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंट सर्किट उसे क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट तो इक्विवेलेंट सर्किट की जरूरत क्या होती है देखो एक तो प्रैक्टिकल लाइन है जो बाहर खंबे पे टंगी हुई है ठीक है और एक सर्किट है जो आप अपनी कॉपी में बनाने वाले हो अब ये सर्किट अगर बाहर टंगी हुई लाइन जैसा रिजल्ट दे दे तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ आपका सर्किट सही था और आप जो रिजल्ट निकालोगे वही लाइन का भी रिजल्ट आएगा तो मुझे लाइन पे चेक करने की जरूरत नहीं है आपके सर्किट से आया हुआ रिजल्ट मेरे लिए एक्सेप्टेबल है बात क्लियर हो रही है मेरे लिए एक्सेप्टेबल है तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं इक्वलेंट सर्किट की अब इक्वलेंट सर्किट में हम क्या दिखाते हैं हम दिखाते हैं रेजिस्टेंस इंडक्टेंस इंडक्टेंस में भी सेल्फ इंडक्टेंस और ये ए बी बी सी सी ए हो गई म्यूचुअल इंडक्टेंस फिर हम दिखाते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस लाइन के बीच में जो होती है उसे कहते हैं इंटरलाइन कैपेसिटेंस। इंटरलाइन कैपेसिटेंस, ठीक है interline capacitance. Interline capacitance. तो ये चीजें दिखाते हैं इसके अलावा लीकेज कंडक्टेंस भी दिखाते हैं लीकेज इंडक्टेंस भी लीकेज uh, कंडक्टेंस भी दिखाते हैं जो लीकेज करेंट को रिप्रेजेंट करती है मैंने आपको बताया था एक लीकेज करंट फ्लो करता है लाइन से टावर में टावर से ग्राउंड में उसके लिए क्या दिखाना पड़ता है एक जी दिखाना पड़ता है जो कैपेसिटर के पैरल लगता है वो अभी मैंने नहीं दिखाया है मेन तीन पैरामीटर होते हैं आर एल और सी आर एल और सी ये तीन पैरामीटर हमेशा हमेशा आपको सर्किट में दिखाने पड़ेंगे मेरे भाई आर एल एंड सी ये बात याद रखना ठीक है ये बात याद रखना इतनी बात क्लियर है चलो और मेरे भाई जो नोट्स के लिए आप लोग परेशान हो रहे हो तो मैं बहुत जल्द एक लिंक आपको देने वाला हूं जहां सारे वीडियो सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे इस वीकेंड तक मैं तैयार करके आपको नेक्स्ट वीक तक प्रोवाइड कर दूंगा फिर चाहे मशीन हो फिर चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो फिर चाहे पावर सिस्टम हो लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए थे पावर सिस्टम के करता जा रहा हूं साइड बाय साइड और मशीन के हैंड रिटर्न भी मैं आप लोगों को दे चुका हूं ठीक है आगे चलते हैं अब देखो इसमें शुरुआत हम कर रहे हैं इंडक्टेंस से ठीक है आज हम शुरुआत कर रहे हैं इंडक्टेंस से तो इंडक्टेंस सबसे बड़ी बात आती है इंडक्टेंस क्यों दिखाया जाए इंडक्टेंस का पर्पस क्या है देखो क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन जब करेंट कैरी करती है ट्रांसमिशन लाइन जब करंट कैरी करती है मेरे भाई तो उसके चारों तरफ बनती है मैग्नेटिक फील्ड ये मान लो वायर है इसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड अब मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इंडक्टर एग्जिबिट करता है मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंडक्टर एग्जिबिट करता है तो इसीलिए जब कभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो आप उसको शो कैसे करोगे सर्किट में बाय मींस ऑफ एन इंडक्टर बाय मींस ऑफ एन इंडक्टर अब अगर ये दो वायर्स हैं, अगर ये दो वायर्स हैं फ्लक्स एक वायर से दूसरी वायर तक जा रहा है तो यहां आएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस एक वायर का फ्लक्स उसी वायर में है तो वहां आएगी सेल्फ इंडक्टेंस वहां आएगी सेल्फ इंडक्टेंस इसीलिए दो तरह की लिंक करे म्यूचुअल वो जब अपना फ्लक्स दूसरे से लिंक करे अब देखो आपने देखा होगा एक टावर पे कई सारी वायर जारी होती हैं तो एक वायर से करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली दूसरी वायर को इंपैक्ट करेगी तो वो तो होगी म्यूचुअल और अगर अपनी मैग्नेटिक फील्ड खुद ही में ई बनाए खुद ही में फ्लक्स बनाए दैट इज सेल्फ तो देखो हम अभी सिंगल वायर के बारे में बात करने वाले मैं एक से ज्यादा वायर नहीं लूंगा इंडक्टेंस का बेसिक बेसिक कवर करने के लिए तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंटरनल इंडक्टेंस की तो मेरे भाई इंटरनल इंडक्टेंस क्या होती है एक ऐसी इंडक्टेंस जो किस फ्लक्स से बनती है जो फ्लक्स कंडक्टर के अंदर है अगर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर के अंदर ही रहे उससे बनने वाले इंडक्टेंस को बोलेंगे इंटरनल इंडक्टेंस उससे बनने वाले इंडक्टेंस को बोलेंगे इंटरनल इंडक्टेंस इसके बाद एक्सटर्नल पे जाएंगे थोड़ा सा सबर रखना अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम इग्नोर करते हैं स्किन इफेक्ट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में ना स्किन इफेक्ट नहीं लेना है अगर स्किन इफेक्ट इग्नोर कर दिया तो क्या होगा करेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भाई अगर स्किन इफेक्ट इग्नोर कर दिया करेंट बराबर बटेगा चारों तरफ अब मैं यहां से निकाल लेता हूं करेंट डेंसिटी करेंट डेंसिटी अब आप अगर राइट में फिगर देखोगे ये फिगर में मैंने दिखाया है कि कंडक्टर का रेडियस है आर कंडक्टर का रेडियस क्या है आर और मेरे भाई लाइक नहीं किया अभी सभी लोगों ने व्यूअर्स ज्यादा है लाइक बटन हिट करते जाना अटेंडेंस मार्क करनी कंपलसरी है अब करेंट डेंसिटी आ गई आई बाई पाई आर स्कवायर आई बाई पाई आर स्क्वायर ठीक है चलो भाई अब मैं कहता हूं क्या करें क्या करें इंडक्टेंस निकालने के लिए इंडक्टेंस निकालने के लिए फ्लक्स लिंकेज निकालना पड़ता है और फ्लक्स लिंकेज को जब करेंट से डिवाइड करते हैं देन वी गेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस लेकिन फ्लक्स लिंकेज के लिए पहले फ्लक्स आना जरूरी है फ्लक्स लिंकेज के लिए पहले आपका फ्लक्स आना जरूरी है और फ्लक्स के लिए चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एम्पियर्स लॉ कौन सा तरीका होता है एम्पियर्स लॉ तो मैं यहां पे एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा तो आपको जो वाई का सर्कल दिख रहा है ना जो वाई रेडियस का सर्कल यहां दिख रहा है ये है मेरा एम्पीरियन लूप जैसे क्या होता है ना गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस होता है ऐसे एम्पियर्स लॉ के लिए होता है एम्पीरियन लूप एम्पियर एम्पीरियन लूप तो एम्पीरियन लूप का रेडियस कितना है वाई अब अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई मुझे ये बता दो तो ये वायर रेडियस में करंट एनक्लोज कितना है अब मैं आपसे पूछ रहा हूं करंट एनक्लोज इन एम्पीरियन लूप कितना करंट आ रहा होगा ये वायर रेडियस के सर्कल में तो हम ये कहेंगे भाई ये करंट होगा आपका करंट डेंसिटी इनटू पाई वाई स्क्वायर आई वाई बाय आर का स्क्वायर आई इंटू वाई बाय आर का स्क्वायर इतना करंट आपका एम्पीरियन लूप के अंडर है अब आप क्या जानते हो एम्पियर्स लॉ कैसे लगाना है ये सब बच्चे जानते हैं कैसे लगेगा एम्पियर्स लॉ एम्पिय लॉ लगेगा मेरे भाई इंटीग्रल एच डॉट डी एल इक्वल टू करेंट इनक्लूज अब एच डॉट डी एल हो जाएगा एच इन टू टू पाई वाई यह होगा आई वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वाई से वाई अगर काट दोगे मेरे भाई तो आई वाई बाय टू पाई आर स्क्वायर यह बन गया ये तो आ गई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लेकिन फ्लक्स के लिए पहले चाहिए फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी होती है बी बी की जरूरत है बी की जरूरत है हमें यहां पे तो बी कैसे निकालोगे बी इज म्यू एच म्यू आई वाई बाय टू पाई आर स्क्वायर म्यू आई वाई बाई टू पाई आर स्क्वायर ये बी आ गया अब मेरे भाई मैं कहता हूं डी फाइव इज बी डी एस लेकिन मेरे भाई बी डी एस में एरिया ऐसा लेना होता है एरिया ऐसा लेना होता है जो कि बी के परपेंडिकुलर हो एरिया ऐसा जो कि बी के परपेंडिकुलर हो बी के परपेंडिकुलर तो देखो जिस डायरेक्शन में एच है इसी डायरेक्शन में आपका बी भी होगा बी और एच की डायरेक्शन सेम होती है अब यह डायरेक्शन कैसे डिफाइंड है मैं ये मान के चल रहा हूं कि करेंट इज कमिंग आउट देखो अगर करेंट बाहर आ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनेगी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनेगी तो ऐसे टेंजेंशियल टेंजेंशियल आ आ जाएगी tangential आ जाएगी अब इस पे परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा इस पे परपेंडिकुलर एरिया मेरे भाई एक तो देखो ये वाली लेंथ और ऐसे तीसरी डायरेक्शन में ऐसे जो जा रही होगी आप समझ गए ना थर्ड डायरेक्शन में अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो कौन सा सरफेस आप परपेंडिकुलर मानेंगे सर ये वाला सरफेस परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल सही बात है ऐसे समझो जैसे ये डिब्बी है ये डिब्बी टाइप मैंने स्ट्रक्चर बना दिया एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बना दिया इस पे से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो ये जो साइड वाला सरफेस है ना इसका ये परपेंडिकुलर एरिया है ये परपेंडिकुलर एरिया है अब इसका एरिया कितना है देखो ये थिकनेस तो dy है मेरे भाई ये तो हम जान ही रहे डीवाई है और इस डायरेक्शन में लाइन की लेंथ होगी इस डायरेक्शन में लाइन की लेंथ होगी क्योंकि ये ना ऐसे रखा हुआ ऐसे आपकी तरफ आ रहा है ये कंडक्टर ऐसे आपकी तरफ आ रहा है तो ये डायरेक्शन क्या हो गई ये डायरेक्शन हो गई लेंथ ठीक है और ये जो छोटी सी थिकनेस है मेरे भाई ये हो गई डी वाई तो आप देखो ये डी फाई हम लोग कैसे लिखेंगे डी फाइव म्यू आई एल वाई डी वाई बाय टू पाई आर स्क्वायर यह डी फाइव हो गया अब लेकिन मेरे भाई काम फ्लक्स से नहीं चलेगा चाहिए क्या फ्लक्स लिंकेज चाहिए क्या फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स लिंकेज कैसे निकलती है फाइव इंटू नंबर ऑफ टर्न्स फाइव इंटू नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स यहां कोई कॉइल तो है नहीं भाई ये तो एक सिंपल स्ट्रेट सीधा सा कंडक्टर है ये तो सिंपल एक सीधा सा कंडक्टर है तो यहां नंबर ऑफ टर्न्स का तो स्कोप है नहीं ये एक वायर है तो यहां ना हाइपोथेटिकल नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं यानी एज्यूम किए जाते हैं नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि एक कंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स डिफाइन नहीं हो सकते तो हम क्या कहते हैं एज्यूम एज्यूम दैट कंडक्टर कंडक्टर रिप्रेजेंट वन टर्न मान लो एक कंडक्टर एक टर्न को रिप्रेजेंट करता है एक कंडक्टर एक टर्न को रिप्रेजेंट करता है तो आप फ्लक्स लिंकेज कितना होता है डी इज एन डी फाइव एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स मैंने आपको बताया ना आप डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे कोई कॉइल नहीं है यहां पे कोई कॉइल नहीं है ठीक है तो इसीलिए आपको पूरे कंडक्टर को एक टर्न मानना पड़ेगा तो अब मैं कहता हूं इफ आर रेडियस इफ आर रेडियस इज इक्वल टू वन टर्न तो वाई रेडियस में कितने टर्न्स आएंगे मैं कहता हूं वन बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई वाई स्क्वायर अब आप समझ सकते हो मेरे भाई नंबर ऑफ टर्न्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं ये हाइपोथेटिकल ही है नंबर ऑफ टर्न्स तो हमेशा इंटीजर होते हैं लेकिन मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि कोई भी फ्लक्स कोई भी फ्लक्स अपने से अंदर वाले एरिया को लिंक करेगा कोई भी फ्लक्स अपने से अंदर वाले एरिया को लिंक करेगा तो मुझे मेरे भाई ये चीज जानना है यह चीज जानना है कि इतने एरिया में कितने टर्न्स आ रहे हैं जबकि इतने एरिया में एक टर्न है समझ गए आर रेडियस तक टोटल एक टर्न है पूरा कंडक्टर एक टर्न है तो वाई रेडियस में कितने टर्न है मैंने क्या बोला अगर पाई आर स्क्वायर में एक आता है तो पाई वाई स्क्वायर में कैसे निकालोगे यूनिटरी मेथड पाई वाई स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर सिंपल अब ये आ गए नंबर ऑफ टर्न्स तो अब मैं कहता हूं मेरे भाई कि डी साई कितना होगा एन इन डी डी फाइव तो ये था नंबर ऑफ टर्न ये रे म्यू आई एल वाई क्यूब डी वाई डिवाइडेड बाय टू पाई आर टू दी पावर फोर ये हो गया अगर टोटल फ्लक्स लिंकेज चाहिए अंदर कितनी है तो आप इंटीग्रेट कर लो जीरो से आर रेडियस तक अंदर ही तो चाहिए तो अंदर में तो जीरो से आर तक इंटीग्रेट करोगे अब मेरे भाई ये वाला आर फोर था ना यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है म्यू आई एल वाई क्यूब का इंटीग्रेशन बता दो मेरे भाई वाई क्यूब का वाई फोर बाय फोर अब जब लिमिट्स डालोगे तो आर फोर से आर फोर कट जाएगा म्यू आई एल बाय एट पाई म्यू आई एल बाय पाई अब देखो मेरे भाई साई बाई आई कितना होगा म्यू एल बाय एट पाई दिस इज योर इंटरनल इंडक्टेंस लेकिन ये समझ आ रहा है देखो ये इंडक्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है मेरे किसी पिछले वीडियो में मैंने बोला भी था कि इंडक्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल आती है इंडक्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल आती है और वो मैंने यहां पे आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया मैंने यहां आपको प्रूफ भी करके दिखाया इंडक्टेंस इज प्रपोर्शनल टू लेंथ ठीक है अब लेकिन देखो इस इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट होगी हेनरी एक्चुअल में ना म्यू जो होता है वो म्यू नॉट के करीब होता है क्योंकि एल्यूमिनियम इज पैरा तो आप ज्यादातर जगह ये देखोगे कि आपको म्यू नॉट ही करके दिया जाएगा ठीक है कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बता रहा हूं अगर आप इसको लेंथ से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा हेनरी पर मीटर हेनरी पर मीटर अब ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट कि सारे में इंडक्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह इंडक्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट पर यूनिट लेंथ अब अगर आप चाहोगे तो आप इसको यहीं तक भी रख सकते हो म्यू नॉट बाई एट पाई हेनरी पर मीटर ठीक है और अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये बनेगा 0.05। अब ये जो देखो 10 की पावर माइनस सिक्स है ना इसको कंज्यूम कर लेते हैं दो तरह से कैसे ऐसे देखो समझ आया अब भी तो 10 की पावर माइनस सिक्स बना 10 की पावर माइनस थ्री बाय टेन की पावर थ्री तो क्या बना मिली हेनरी पर किलोमीटर तो ये इंटरनल इंडक्टेंस आता है और सबसे गजब की बात ये होती है कि ये इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस रेडियस से दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर समझ गए यानी कितना भी मोटा कंडक्टर हो कितना भी मोटा कंडक्टर हो ये वैल्यू फिक्स आएगी ये वैल्यू फिक्स आएगी मिली हेनरी पर किलोमीटर चलो अब आते हैं एक्सटर्नल पे एक्सटर्नल इंडक्टेंस में क्या होता है जब आप फ्लक्स देखते हो कंडक्टर के बाहर यानी कंडक्टर का ही करंट अगर कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्लक्स एक्सटर्नल फ्लक्स और उससे बनने वाली इंडक्टेंस को कहते हैं एक्सटर्नल इंडक्टेंस एक्सटर्नल इंडक्टेंस अब देखो मेरे भाई यहाँ भी मैंने एक एम्पीरियन लूप बनाया यहाँ भी मैंने एक एम्पीरियन लूप बनाया लेकिन ये जो एम्पीरियन लूप है मेरे भाई अब की बार ये कंडक्टर के बाहर है अब की बार ये कंडक्टर के बाहर है अगर ये एम्पीरियन लूप कंडक्टर के बाहर है तब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इंडक्टेंस या एक्सटर्नल फ्लक्स की अब ध्यान देना सबसे पहले देख लेते हैं करंट एनक्लोज अब भाई एम्पीरियन लूप जब बाहर चला गया तो पूरा कंडक्टर अंदर आ गया पूरा कंडक्टर जब अंदर आ गया तो करंट एनक्लोज्ड हो गया आई अब हम क्या लगाते हैं हम लगाते हैं एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स लॉ ठीक है, एम्पिय लॉ जब लगाते हैं तो एच एन टू टू पाई वाई एच एन टू टू पाई वाई ये आता है आई एच हो जाता है आई बाय टू पाई वाई आई बाय टू पाई वाई ठीक है आई बाय टू पाई वाई हुआ ठीक है भगवान तुम्हें हेनरी पर मीटर समझ नहीं आया गधो ये अगर हेनरी है लेंथ अगर इससे डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो हेनरी पर मीटर नहीं होगा दोनों तरफ अगर लेंथ से डिवाइड कर दो इंडक्टेंस है हेनरी और हेनरी को लेंथ से डिवाइड करें तो हेनरी पर मीटर नहीं बनेगा क्या करते हो मेरे भाई तुम लोग बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेशन जीरो है ठीक है अब ये आ गया एच अब आप क्या कहेंगे आप कहेंगे सर फ्लक्स डेंसिटी चाहिए यहां एयर में निकाल रहे हो तो म्यू नॉट एच कर दो म्यू नॉट आई बाय टू पाई वाई म्यू नॉट आई बाय टू पाई वाई ठीक है म्यू नॉट आई बाय टू पाई वाई अब देखो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर क्या होगा ये बी आ गया अब मैं कहता हूं फ्लक्स क्या होगा डी फाइ बी डी एस बी डी एस तो इसके अंदर क्या होगा डीएस पहले की तरह ले लेंगे एल इंटू डी वाई क्या हो जाएगा एल इंटू डी वाई अब कुछ बच्चों का ऐसा सीन लग रहा है मुझे कि सारी चीजें छोड़ करके ना पहले मेरे को समरी करा देना चाहिए लेक्चर तो बाद में देख लेंगे ऐसा ना कर लें लेक्चर के शुरू में समरी कर लिया करें और बाद में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो लोग रुक जाएंगे और जो समरी से खुश है वो निकल लेंगे क्यों भाई ठीक है तो डी फाइव हो गया डी फाइव हो गया म्यू नॉट आई एल डी वाई बाई टू पाई वाई अब अगला स्टेप क्या लिया था इंटरनल में अगला लिया था जब फ्लक्स लिंकेज निकाला था फ्लक्स लिंकेज में मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स लिंकेज में मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ टर्न्स यहां तो ये देखो कि पूरा का पूरा कंडक्टर ही अंदर आ गया एम्पीरियन लूप के अंदर ही आ गया ना पूरा कंडक्टर अगर पूरा कंडक्टर मेरे भाई अंदर आ चुका है तो कितने टर्न अंदर आ गए एक टर्न कितने टर्न अंदर आ गए एक टर्न नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड एम्पीरियन लूप कितने होंगे वन एक टर्न होगा अब एक टर्न होगा तो डी साई एंड डी फाइ इट विल बी इक्वल टू डी फाई अब देखो क्या करना है साई निकालने के लिए आप इसका इंटीग्रेशन कर लें अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे ये इंटीग्रेशन चाहो तो d1 से d2 कर लो या इन जनरल हम कर लेते हैं r से लेके d2 r से लेके d2 पहले d1 से d2 कर लेते हैं फिर मैं d1 को r डाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं है यानी दो पॉइंट्स के बीच का फ्लक्स आप निकाल सकते हो वन बाय वायशन लॉग वाई पुट करोगे तो एल एन डी टू बाई डी वन।, वन अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये डी टू डी वन कैसे डिसाइड होते हैं ये डी टू डी वन कैसे डिसाइड होते हैं मेरे भाई जब हम एक से ज्यादा वायर लेंगे ना तब हम डिस्टेंस ले लेते हैं वायर्स के बीच का तब हम डिस्टेंस किसके बीच का ले लेते हैं वायर्स के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं तो अभी सिंगल वायर की बात कर रहे हैं आपको ये डिस्टेंस का सिग्निफिकेंस नहीं समझ आएगा ये डिस्टेंस का सिग्निफिकेंस नहीं समझ आएगा इसीलिए अभी इसको इग्नोर कर दो अब मैं क्या कहता हूं मेरे भाई अब मैं ये कहता हूं कि भाई इफ साई इज डेटरमाइंड बिटवीन आर एंड डी डी कोई डिस्टेंस है तो आर है डी वन और डी है डी टू तो यहां से फ्लक्स लिंकेज क्या हो गया म्यू नॉट आई एल बाय टू पाई एल एंड डी बाय आर अब यहां से भी अगर आप साई बाई आई निकालोगे तो मिलेगी आपको एक्सटर्नल इंडक्टेंस एक्सटर्नल इंडक्टेंस ये कितनी मिलेगी देख लो ये मिल जाएगी मेरे भाई म्यू नॉट बाय टू पाई एल एंड डी बाय आर इसकी यूनिट होगी हेनरी और यहां एल बी है एल बी है अब अगर आप हेनरी को अगर आप हेनरी को लेंथ से डिवाइड कर दो तो ये क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा पर मीटर क्या मिल जाएगा पर मीटर हेनरी पर मीटर क्या बता रहा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड या फिर आपकी इंडक्टेंस जगह जगह फैली हुई है लाइन में समझ रहे हो जैसे ये मेरे पास मान लो जैसे मान लो मेरे पास ये वायर है ये वायर है ना वायर सब लोगों को दिखना चाहिए वायर दिख रहा है इस वायर के ना हर पॉइंट पे इस वायर के हर पॉइंट पे इंडक्टेंस है दैट इज लं और अगर हर पॉइंट पे फैली है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड तो जब मैं हेनरी पर मीटर में आ गया जब मैं हेनरी पर मीटर में आ गया तो मैंने कहा हर मीटर में इतनी इतनी इंडक्टेंस है माने वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये जो पर मीटर में पैरामीटर चलते हैं दे आर द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर दे आर नॉट द लंप्ड पैरामीटर अब आप कहोगे सर लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पे इतना फोकस क्यों क्योंकि मेरे भाई नेटवर्क का जो सारा एनालिसिस है केसीएल केवीएल नोडल मैश ये सिर्फ लगता है लंप्ड पे और अब हमारे पैरामीटर कैसे आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड तो जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे तब आप देखोगे इन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को लंप करके अप्रोक्स किया जाता है ताकि इस पर नेटवर्क एनालिसिस लगाया जा सके ताकि इस पर नेटवर्क एनालिसिस लगाया जा सके तो इसको लंप करना पड़ता है ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड चल नहीं पाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड का एनालिसिस बहुत ज्यादा टफ होता है और अभी इसमें डिस्टेंसिस पे मत जाना डिस्टेंस आपको क्लियरली समझ आएगा जब हम बात करेंगे दो वायर्स की या दो से अधिक वायर्स की अभी मैंने सिर्फ क्या बताया आर से बाहर अगर फ्लक्स लोगे तो एक्सटर्नल है आर के अंदर लोगे तो इंटरनल है इंटरनल फ्लक्स से बनेगी, फ्लक्स से बनेगी बनेगी इंटरनल इंडक्टेंस इंडक्टेंस एक्सटर्नल एक्सटर्नल फ्लक्स ठीक है और अभी मैंने देखा कोई क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि सर जब आप यहां पे जब आप यहां पे इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो पावर सिस्टम तो अन अकेडमी जाने की क्या जरूरत है मेरे भाई देखो यहां पे आप मुझसे इंटरैक्ट नहीं कर सकते आप मुझसे आप मुझसे डाउट नहीं पूछ सकते तो बिल्कुल भी interaction नहीं है, one way communication है। movie की तरह देखो, मजा आएगा। लेकिन में आपको आपको एकदम वाली फील आ जाएगी, जहां आपको दिखेंगे और कौन बच्चे क्लास कर रहे हैं आपका उनसे भी इंटरेक्शन होगा मुझसे भी इंटरेक्शन होगा और बातचीत में कब समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा तो नो डाउट यूट्यूब पे लेक्चर क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं लेकिन मेरे भाई अन की बात और है दैट इज नॉट कंपेरेबल टू यूट्यूब कभी भी यूट्यूब से कंपेयर नहीं हो सकता और उसमें दसों रिसोर्स एक्स्ट्रा और मिलते हैं तो वहां से रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू यूट्यूब लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है जो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट है बहुत बढ़िया है पढ़ने में वो तो रैंक कहीं से भी निकाल देगा उसको एज सच ये नहीं कह सकते कि अन अकेडमी यूट्यूब या किसी और कोचिंग वो कहीं भी निकाल सकता है ठीक है चलो और मेरे भाई ऐसे घटिया आइडिया मत दिया करो कि गूगल मीट पर पढ़ाओ चलो अब आते हैं टोटल इंडक्टेंस टोटल इंडक्टेंस अब ये टोटल इंडक्टेंस क्या चीज होती है टोटल इंडक्टेंस होती है जहां टोटल फ्लक्स लिया जाए इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी तो टोटल इंडक्टेंस के अंदर हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल की तो म्यू नॉट बाय एट पाई ठीक है और जिन लोगों को टेलीग्राम पे आना है नोट्स के लिए लेक्चर के एंड तक वेट करो मैं खुद बताऊंगा टेलीग्राम चैनल लेकिन लेक्चर खत्म होने से पहले निकलना मत निकल जाओगे तो कभी नहीं जान पाओगे ठीक है तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हो गई अब ना देखो मैं इसमें से नॉट बाई टू पाई कॉमन ले लेता हूं ये बच जाता है ठीक है वन बाय फोर को हम लिख सकते हैं एल एन ए टू दी पावर वन बाय फोर लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ ए बी लॉग ऑफ ए बी तो यहां से टोटल इंडक्टेंस कितनी हो गई म्यू नॉट बाई टू पाई लॉग ऑफ डी बाय आर ई टू दावर माइनस वन बाय फोर ई टू दावर माइनस वन बाय फोर तो यह जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है ना ये ऐसे हो गई अब ये आर डैश क्या है यह आर डैश है आर ई टू दावर माइनस वन बाय फोर जिसको लिखते हैं पॉइंट सेवन सेवन एट एट आर तो अगर ई e की पावर माइनस वन बाय फोर की वैल्यू निकालोगे ना तो पॉइंट सेवन सेवन एट एट आएगी तो इसको कहते हैं जियोमेट्रिक मीन रेडियस क्या कहते हैं जियोमेट्रिक मीन रेडियस जी एम आर ठीक है तो आपको जो है ना यहां पे याद क्या क्या रहना चाहिए इंटरनल इंडक्टेंस म्यू नॉट बाय एट पाई या पॉइंट जीरो फाइव मिली हेनरी पर किलोमीटर एक्सटर्नल म्यू नॉट बाय टू पाई एल एन डी आर इसको भी सिंप्लीफाई करोगे ना म्यू नॉट बाय टू पाई को फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन लिखोगे तो ये बनेगा पॉइंट टू एल एन डी बाई आर जब मिली हेनरी पर किलोमीटर में जाओगे और टोटल इंडक्टेंस एल एन डी बाई आर डैश यानी फॉर्मूला एक्सटर्नल वाला ही है बस आर की जगह आर डैश आ गया आर की जगह आर डैश आ गया है तो ये तीन इंडक्टेंस हमने डिराइव किए हैं ये तीन इंडक्टेंस हमने डिराइव किए हैं एक सिंगल कंडक्टर के लिए एक सिंगल कंडक्टर के लिए ठीक है अब बात ये आती है जीएमआर क्या होता है जीएमआर क्या होता है तो जीएमआर को हम बोलते हैं एक ऐसा डिस्टेंस जहां तक जहां तक सेल्फ फ्लक्स लिंकेज बने अ डिस्टेंस अप टू विच सेल्फ फ्लक्स लिंकेज विल ऑकर इज कॉल्ड एज द जीएमआर कॉल्ड एज द जीएमआर अब ऐसा क्यों ऐसा क्यों देखो जब हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का रेडियस है आर तो आप क्या कहते हो कि सर आर तक होती है सेल्फ और आर के बाहर होगी म्यूचुअल आप ऐसा ही तो कहते हो सर आर तक सेल्फ और आर के बाहर म्यूचुअल इसीलिए जब आपने ये इंडक्टेंस डिराइव की तो ऊपर आया डी नीचे आया आर डी माने कहां तक जा रहे हो और आर माने कहां से शुरू किए थे भाई एक्सटर्नल में कंडक्टर के बाहर से शुरू करेंगे अगर कंडक्टर के बाहर से चलना शुरू करते हैं तो हम शुरू कर रहे हैं रेडियस रेडियस से R से शुरू कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज में डी बाई आर क्या बताता है आर से शुरू किया और डी तक पहुंचे आर से शुरू किया और डी तक पहुंचे लेकिन मेरे भाई इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आर तक तो सेल्फ फ्लक्स था या इंटरनल फ्लक्स था उसके बाहर क्या था एक्सटर्नल या म्यूचुअल उसके बाहर क्या था म्यूचुअल लेकिन टोटल इंडक्टेंस में आर की जगह टोटल इंडक्टेंस में आर की जगह आर डैश आया है ठीक है टोटल इंडक्टेंस में आर की जगह आर डैश आया है तो अगर आप ये देखो कि अगर आप एक्सटर्नल इंडक्टेंस देखते तो म्यू नॉट बाय टू पाई ये है और टोटल इंडक्टेंस अगर देखोगे तो आप क्या कह सकते हो दैट आर डैश रिप्लेसेस आर तो हम लोग क्या कहेंगे कि डी डिस्टेंस तक क्या आएगा डी डिस्टेंस तक आएगा म्यूचुअल फ्लक्स और आर तक क्या आएगा आर तक आएगा सेल्फ फ्लक्स सॉरी आर डैश इस इंडक्टेंस को अगर टोटल इंडक्टेंस को देखोगे तो डी डिस्टेंस तक तो म्यूचुअल बनेगा और आर डैश तक बनेगा आर डैश तक बनेगा आपका सेल्फ आर डैश तक बनेगा आपका सेल्फ और देखो किसी को अगर लैंग्वेज इशू हो रहा है लैंग्वेज इशू एंटायर पावर सिस्टम हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड इन इंग्लिश लैंग्वेज पावर सिस्टम ना अब हम क्या कह रहे हैं डी तक तो म्यूचुअल आर डैश तक आएगा सेल्फ एक और इसका आप कॉन्क्लूजन निकाल सकते हो अगर आप एक ऐसा कंडक्टर बनाओ जिसमें इंटरनल ही ना हो ठीक है आप एक ऐसा कंडक्टर बनाओ जिसमें इंटरनल ही ना हो तो उसकी टोटल इंडक्टेंस क्या होगी टोटल इंडक्टेंस सिर्फ कौन सी होगी एक्सटर्नल होगी एक्सटर्नल में नीचे क्या आता है आर तो मैं कहता हूं देखो एक कंडक्टर लो विद इंटरनल एक तो आपने कंडक्टर ले लिया ये वाला ठीक है जिसमें आर डैश आ रहा था नाउ अ हाइपोथेटिकल कंडक्टर देखो हाइपोथेटिकल कंडक्टर विद नो इंटरनल फ्लक्स तो इसकी जो इंडक्टेंस होगी इसकी जो इंडक्टेंस होगी मेरे भाई वो कितनी होगी सिर्फ एक्सटर्नल वाली होगी ना इसकी बस एक्सटर्नल वाली होगी अब अगर मैं कह दूं कि दोनों की इंडक्टेंस बराबर होनी चाहिए तो ये हाइपोथेटिकल का रेडियस किसके बराबर आएगा जीएमआर के हाइपोथेटिकल का रेडियस आएगा किसके बराबर जीएमआर के यानी अगर आप एक ऐसा कंडक्टर ले लो जिसके अंदर इंटरनल फ्लक्स लिंकेज ना हो जिसके अंदर इंटरनल फ्लक्स लिंकेज ना हो और फिर भी अगर आप बराबर इंडक्टेंस चाहते हो तो आपको जो हाइपोथेटिकल कंडक्टर है उसका रेडियस किसके बराबर रखना पड़ेगा जीएमआर के तो दो तरह से आप जीएमआर को डिफाइन करोगे इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द सेल्फ फ्लक्स लिंकेज और रेडियस ऑफ द हाइपोथेटिकल कंडक्टर व्हिच डज नॉट हैव एनी इंटरनल फ्लक्स बट स्टिल हैज द सेम इंडक्टेंस व्हिच डज नॉट हैव एनी इंटरनल फ्लक्स बट स्टिल हैज द सेम इंडक्टेंस अब आगे आते हैं अब देखो मैं आ गया टू वायर लाइन पे टू वायर लाइन पे यानी जहां अब एक कंडक्टर फॉरवर्ड पाथ का काम करेगा और दूसरा कंडक्टर करेगा रिटर्न पाथ का जैसे मान लो ये है फॉरवर्ड फॉरवर्ड माने जो करंट लेके जाए सोर्स से लोड रिटर्न माने जो वापस लेके आए लोड से सोर्स जो वापस कहा लेके आए लोड से सोर्स ठीक है अब लोड से सोर्स अच्छा एक चीज बताओ बच्चे ये पूछ रहे हैं सर इसका बेनिफिट क्या हुआ बेनिफिट क्या हुआ आर डैश लेने का तो ये एक लड़का पूछ रहा है हर्षित मेरे भाई तुम्हारा नाम हर्षित रखने का बेनिफिट क्या हुआ बताओ तुम्हारा नाम हर्षित ले रखने का बेनिफिट क्या हुआ हम आर डैश की डेफिनेशन दे रहे हैं तुम उसका बेनिफिट पूछ रहे हो यही तो बात है मेरे भाई अकल किसी बाजार में बिकती नहीं है आई और माइनस आई आई और माइनस आई क्यों आई और माइनस आई क्यों कि फॉरवर्ड वाला अगर सोर्स से लोड ले जा रहा है सोर्स से लोड ले जा रहा है तो उसका करंट है आई तो जो उल्टा लाएगा उसका करंट क्या हो गया माइनस आई बिकॉज करंट नीड्स अ क्लोज लूप करंट नीड्स क्लोज लूप तो एक कंडक्टर अगर करंट लेके जाएगा सो सेकंड वन विल ब्रिंग इट बैक अब आप कहोगे सर पिछले केस में ऐसा कैसे हुआ तो पिछले केस में मैंने ये माना जो उसका रिटर्न कंडक्टर ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है उसका जो रिटर्न कंडक्टर है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है जिससे कि हमारे ओरिजिनल कंडक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा ठीक है हमारे ओरिजिनल कंडक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कितना है इनफाइनाइट लेकिन इस बार फाइनाइट डिस्टेंस पे रख रहे हैं डी पे ये बात क्लियर हो गई वन कंडक्टर एक्ट एज द फॉरवर्ड वन एक्ट एज द रिटर्न अब देखो आपको क्या पता है कि म्यूचुअल फ्लक्स अब म्यूचुअल फ्लक्स की बात करते अच्छे लगोगे विल बी कंसीडर्ड विल बी कंसीडर्ड अप टू डिस्टेंस डी अप टू डिस्टेंस डी ठीक है क्यों डी क्योंकि दोनों वायर क्योंकि दोनों वायर डी डिस्टेंस पे रखी हैं दोनों वायर डी डिस्टेंस पे रखी है मेरे भाई तो म्यूचुअल डी तक ही लोगे डी के आगे निकल गए तो अगली वायर के भी आगे निकल जाओगे अगली वायर के आगे निकल गए तो कहां से म्यूचुअल बनेगा ठीक है चलो अब मेरे भाई देखो ए वाले का क्या इंडक्टेंस होगा म्यू नॉट बाई टू पाई एल एन डी बाय आर वन डैश डी बाय आर वन डैश यह तो हम डिराइव कर चुके हैं ना बस अब जो आप पहले डी डिस्टेंस ऐसे ही ले लेते थे, थे जो पहले आप डी डिस्टेंस रैंडमली ले रहे थे अब उसका एक मीनिंग है क्या मीनिंग है उसका दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस एल बी क्या होगा अब देखो ये तो आपको मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है इसका एक्चुअल डायग्राम अगर आप साइड व्यू ड्रॉ करोगे देखो मान लो कि कोई लोड है मान लो कि कोई लोड है अब ये वाला कंडक्टर है ए ये वाला है बी तो ये समझ आ रहा है कि बंधु ये दोनों कंडक्टर सीरीज में है। ये चीज समझ आ रही है ए एंड बी आर इन सीरीज ए एंड बी आर इन सीरीज अब अगर ए और बी सीरीज में आ गए तो मेरे भाई इसका इंडक्टेंस कितना बनेगा एल ए प्लस एल बी म्यू नॉट बाय टू पाई कॉमन ले लो एल एन डी बाय आर वन डैश एल एन डी बाय आर टू डैश अब अगर इन दोनों लॉग को लॉग ए प्लस लॉग b अगर किया तो लॉग ए भी हो जाएगा आर वन डैश आर टू डैश अब अगर आप इसकी पावर बाहर निकाल लिए पावर अगर टू बाहर निकाल लिए देखो अब ये जो लॉग के डिनोमिनेटर में आ रहा है ये जो लॉग के डिनोमिनेटर में आ रहा है इसमें आ रहा है रूट आर वन डैश रूट आर टू डैश रूट आर वन डैश और रूट आर टू डैश तो मेरे भाई इसका मतलब क्या हुआ रूट आर वन डैश आर टू डैश इज जियोमेट्रिक मीन इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ आर वन डैश एंड आर टू डैश इसीलिए इसको जीएमआर बोला था जीएमआर में जियोमेट्रिक मीन जीएमआर में जियोमेट्रिक मीन वर्ड इसीलिए आया था कि जब एक से ज्यादा वायर्स होती है जब एक से ज्यादा वायर्स होती है मेरे भाई तब आपका जो रिजल्ट आता है दैट कंटेंट जियोमेट्रिक मीन दैट कंटेंस जियोमेट्रिक मीन ठीक है इतनी बात भी चलो क्लियर हो गई अब इसमें ना देखो अगर आप इंडक्टेंस को सिंप्लीफाई करोगे म्यू नॉट बाई पाई को तो आप ऐसे ही ना लिखोगे देखो ऐसे ही तो लिखोगे अब पाई से पाई कट गया टेन की पावर माइनस सिक्स तो आप यूनिट में खा जाते हो है ना यूनिट में निकाल देते हो ना टेन की पावर माइनस सिक्स तो ये बन गया मिली हेनरी पर किलोमीटर मिली हेनरी पर किलोमीटर तो पॉइंट फोर एल एन डी बाय आर डैश पॉइंट फोर एल एन डी बाय आर डैश ये बात क्लियर है तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई यहां पे हमने डी डिस्टेंस ऐसे ही कोई भी रैंडम डिस्टेंस मान लिया था ऐसे ही कोई भी रैंडम डिस्टेंस मान लिया था कंडक्टर के बाहर देखो d डिस्टेंस मैंने ऐसे ही कुछ भी मान लिया था लेकिन अब मैंने क्या बोला अब जो डी डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स क्योंकि हम डी डिस्टेंस लेते हैं म्यूचुअल फ्लक्स का आर तक तो क्या होता है सेल्फ तो आर तो आ ही रहा है मेरे भाई आर या आर डैश तो आ ही रहा है सेल्फ फ्लक्स वाला डी किसके लिए होता है म्यूचुअल के लिए डी किसके लिए होता है म्यूचुअल के लिए तो म्यूचुअल आपको कहां तक लेना है जहां तक वायर्स के बीच का डिस्टेंस है क्योंकि उस तक ही म्यूचुअल फ्लक्स बनेगा भाई सिंपल सी बात ये सोच के देखो आपके मेरे बीच की बात तो वहीं तक है जहां तक मैंने बोला आपने सुना अगर आपके आगे गई तो हमारे बीच की बात नहीं हुई ऐसे हमारे बीच का फ्लक्स तब है जब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर जाए उसके आगे या उसके पीछे रह गया तो वो म्यूचुअल नहीं है म्यूचुअल नहीं है ठीक है चलो अब आ जाते हैं जीएमडी पे ये जो डी डिस्टेंस होता है मेरे भाई इसे कहते हैं जी एम डी जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस अब श्रुति का सवाल आ रहा है क्या दोनों डी सेम है श्रुति अगर दिल्ली से गाजियाबाद का डिस्टेंस मान लो सौ किलोमीटर है तो गाजियाबाद से दिल्ली का कितना होगा दिमाग लगाओ थोड़ा सा चलो अब जीएमडी क्या होता है जीएमडी क्या होता है इफेक्टिव डिस्टेंस जहां तक म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज हो जैसे सेल्फ फ्लक्स लिंकेज जैसे फ्लक्स लिंकेज कहां तक थी आर डैश तक तो जीएमडी कौन सा डिस्टेंस है जीएमडी कौन सा डिस्टेंस है जहां तक होती है म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज, म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज तो इस केस में हमारा जो डी है ये जो हमारा डी है डी इज द जी एम डी डी इज द जी एम डी अब मेरे भाई यहां पे लेकिन आपको अगेन आपको अगेन ज्योमेट्रिक मीन नजर नहीं आया ज्योमेट्रिक मीन तो दिखा नहीं मुझे अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन नहीं दिखा मेरे भाई तो ज्योमेट्रिक मीन मैंने क्यों लगाया देखो जब दो से ज्यादा कंडक्टर होंगे जब दो से ज्यादा कंडक्टर होंगे या दो या दो से अधिक डिस्टेंस होंगे मान लो तीन कंडक्टर हैं कितने डिस्टेंस हो गए तीन हो गए ना वन से टू टू से थ्री वन से थ्री ऐसे तीन डिस्टेंस हो गए जब कभी दो या दो से अधिक डिस्टेंस आ जाए तभी तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब आएगा तभी तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब आएगा नहीं तो यहां तो आप यह भी कह सकते हो ना जीएमडी ?right. लेना था भाई एक से दो का डिस्टेंस है डी दो से एक का डिस्टेंस भी है डी लो भाई तो भी आ गया डी हो गया ना ज्योमेट्रिक मीन ए से बी का डिस्टेंस डी और दी, बी से ए का डिस्टेंस डी तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या बन गया डी तो GMD क्या बताता है इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज जब दो कंडक्टर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड एक्सचेंज हो तब उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं GMD। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो क्या होता है अब हम क्या कहते हैं मान लो ये ऐसे ना एन कंडक्टर्स हैं। मान लो अगर इन्हें आपको रिप्लेस करना है सिर्फ दो कंडक्टर से सिर्फ दो कंडक्टर से और दो कंडक्टर कैसे जिनमें सेम म्यूचुअल हो यहाँ पे मान लो यहाँ पे मान लो कि म्यूचुअल फ्लक्स है फाई यहाँ पे मान लो म्यूचुअल फ्लक्स है फाई तो मैं चाहता हूँ यहाँ भी म्यूचुअल फ्लक्स कितना हो यहाँ भी म्यूचुअल फ्लक्स कितना हो फाई तो ये जो दो कंडक्टर आप प्लेस कर रहे हो इनके बीच का डिस्टेंस रखना पड़ेगा जी एम डी ठीक है यानी एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स का सिस्टम है अगर उसे दो कंडक्टर से रिप्लेस करना है तो उन दो कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए कितना होना चाहिए जी एम डी जी एम डी जैसे हमने बोला था सेल्फ फ्लक्स को सेम रखते हुए हाइपोथेटिकल कंडक्टर का रेडियस होता है जीएमआर ऐसे म्यूचुअल को सेम रखते हुए दो कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस कहलाता है जीएमडी यानी जीएमडी एक ऐसा मेथड है जो हमारे लिए चीजें आसान कर रहा है जिंदगी आसान कर रहा है कैसे एन कंडक्टर से आसान है दो कंडक्टर तो अगर एन कंडक्टर को दो कंडक्टर पे ले आए तो चीजें इजी हो जाएंगी लेकिन एन से दो पे आने के लिए उनके बीच का डिस्टेंस कितना लिया जाएगा जी कितना लिया जाएगा दोबारा बोलो जी ये बात का ध्यान रखना है दो कंडक्टर से रिप्लेस कर दो बट प्लेस एट डिस्टेंस जी एम डी और ऐसे ही अगर एक कंडक्टर को बिना इंटरनल फ्लक्स वाले कंडक्टर से रिप्लेस करें तो उसका इंटर उसका रेडियस क्या होता है जीएमआर अगर एक कंडक्टर को बिना इंटरनल फ्लक्स वाले कंडक्टर से रिप्लेस करें तो उसका रेडियस लेते हैं जी एम आर अब क्या होता है देखो अगर हमारे पास एन कंडक्टर हैं एन कंडक्टर्स हैं मुझे इसमें एक कंडक्टर का मुझे इसके अंदर एक कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज चाहिए कि एक कंडक्टर से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है या एक कंडक्टर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है एक कंडक्टर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है तो दैट इज फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर इन अ ग्रुप अब इसमें सपोज आई वॉन्ट इट फॉर कंडक्टर आई इफ

एज वेल एज ड्यू टू अदर कंडक्टर्स अपनी वजह से तो निकालना ही है बाकी कंडक्टर्स की वजह से भी निकालना है बाकी कंडक्टर्स के कारण भी निकालना है तो इसका फॉर्मूला ना ऐसे आता है देखो ये मैं डेराइव नहीं करा रहा हूं आप लोगों को डेरिवेशन इज नॉट रेलिवेंट ठीक है डेरिवेशन मैंने प्लस पे तो कराया था लेकिन यूट्यूब पे मुझे ऐसा कोई सेंस नहीं दिख रहा है बहुत कम जनता को समझ में आएगा और दूसरी बात है डेरिवेशन का कहीं यूज भी नहीं आएगा अब इसका क्या मतलब है देखो अगर जे आई के बराबर होता है अगर जे आई के बराबर होता है तो मैं कहता हूं लेमडा आई आई यानी आई एथ टर्म अगर इस सम की निकाल लो ये होगी ना यहां पे ये जो डी आई आई आता है ना मेरे भाई ये आर आई डैश होता है ये जो डी आई आई डिस्टेंस दिख रहा है दैट इज आर आई डैश अब आप कहोगे सर ये लैम्डा आई आई क्या है लैम्डा आई आई क्या है इसको मैं समझा देता हूं एक बार लैम्डा आई आई फ्लक्स लिंकेज ऑफ आई फ्लक्स लिंकेज ऑफ आई ड्यू टू या आई एथ कंडक्टर ड्यू टू इट सेल्फ यानी सेल्फ फ्लक्स लिंकेज लैमडा आई आई समझ में आया जो फ्लक्स ये खुद ही बना रहा है और खुद ही से लिंक करवा रहा है दैट इज लैमडा आई आई और यहां से ना आप सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल सकते हो कैसे सेल्फ फ्लक्स बाय करंट तो ये बन गई ना सेल्फ इंडक्टेंस ठीक है अब ऐसे ही अगर आप कोई केएच टर्म लेते हो यानी जे की जगह अगर मान लो के वाला लो जैसे जे जा रहा है वन से लेके एन तक जैसे जे जा रहा है वन से लेके एन तक आपने ले लिया फाइव आपने ले लिया सिक्स आपने ले लिया सेवन कुछ ऐसा नंबर चूज कर लिया तो ये वैल्यू अगर जे की जगह के रखोगे तो ये बनेगा डी आई के अब यहां पे मेरे भाई यहां पे क्या होता है डी आई के इज डिस्टेंस बिटवीन आई एंड के दो कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस है और ये फ्लक्स का मतलब क्या है इसका मतलब है फ्लक्स लिंकेज ऑफ आई फ्लक्स लिंकेज ऑफ आई ड्यू टू के फ्लक्स लिंकेज ऑफ आई ड्यू टू के अगर आई का फ्लक्स देखें और के वजह से देखें तो ये तो म्यूचुअल हो गया ना तो लैमडा आई के क्या हो गया म्यूचुअल हो गया तो किसी भी कंडक्टर में जब टोटल फ्लक्स देखा जाता है वो खुद की वजह से भी होता है सेल्फ और बाकियों की वजह से भी होता है म्यूचुअल तो लैमडा आई के से आप एल म्यूचुअल निकाल सकते हो दैट इज लेमडा आई के बाई आई के तो म्यू नॉट बाई टू पाई एल एन वन बाई डी आई के तो ऐसे ना आपसे सेल्फ और म्यूचुअल कभी पूछता है तो आप इस फ्लक्स लिंकेज की मदद से निकाल सकते हो ठीक है सेल्फ भी निकाल सकते हो और म्यूचुअल भी और यूनिट जो है ना सबकी हेनरी पर मीटर या मिली हेनरी पर किलोमीटर ही चलेगी तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी एक कंडक्टर के अंदर अगर टोटल फ्लक्स निकालना है सभी कंडक्टर्स की वजह से तो ये समेशन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आगे जब मैं आपको रेडियो इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा रेडियो इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा कि कैसे पावर लाइन से फ्लक्स पहुंचता है टेलीफोन लाइन में तब ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा ठीक है अभी से बता दे रहा हूं अब देखो इसका एक एप्लीकेशन आपको मैं है तो बाकी दोनों कंडक्टर उसके लिए रिटर्न पाथ का, का काम करते हैं इसीलिए मैंने दिखा दिया कि अगर ये आई करंट ले जा रहा है तो बाकी के दोनों कितना करंट ले जा रहे हैं माइनस आई टू और माइनस आई टू माइनस आई बाई टू और माइनस आई बाई टू अब मैं कहता हूं कि अगर मुझे ए का फ्लक्स लिंकेज चाहिए म्यू नॉट बाई टू पाई <laughs> पहले खुद का फ्लक्स वन बाय डी ए ए फिर दूसरे का उसका करंट है माइनस आई बाय टू फिर तीसरे का समझ गए जब ए में निकालना है तो डिस्टेंस ए का लेना है सबसे देखो ये वाला फॉर्मूला जे वाला करंट लेना है और डिस्टेंस लेना है आई और जे के बीच का डिस्टेंस लेना है आई और जे के बीच का अब अगर आप सेकेंड और थर्ड टर्म को कंबाइन कर दें ध्यान से सुनते जाना डी ए ए तो आपको पता है आर ए डैश होता है सेकंड और थर्ड टर्म अगर कंबाइन कर दें तो ये बनेगा अब ये जो टू वाला फैक्टर है ना आई बाय टू में इसको ना जरा पावर में ले लो इसको आप पावर में ले लो देखो अब पावर में लोगे तो वन बाय टू पावर में हो जाएगा स्क्वायर रूट तो अब ये देखो ये जो टर्म आ रही है ना रूट डीएबी डीएससी ये एक्चुअल में जीएमडी है ठीक है ये एक्चुअल में जीएमडी है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टर्म है जो आपकी फर्स्ट टर्म है मेरे भाई वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है सेल्फ फ्लक्स मैं आपको समझाता हूं इस मेथड का मतलब क्या निकलेगा सेकेंड टर्म बता रही है म्यूचुअल फ्लक्स सेकेंड टर्म क्या बता रही है म्यूचुअल फ्लक्स लेकिन म्यूचुअल फ्लक्स में हमने दो टर्म्स को एक टर्म से रिप्लेस कर दिया है क्या है वो टर्म डी ए बी डी ए सी का ज्योमेट्रिक मीन इसका देखो क्या मतलब है कि पहले जो ए कंडक्टर था या ए फेज था उसमें म्यूचुअल बी और सी दोनों की वजह से था ए में म्यूचुअल बी और सी दोनों की वजह से था लेकिन बी और सी वाले बी और सी वाले जब दो कंडक्टर्स को आप रिप्लेस करोगे एक सिंगल कंडक्टर से जो कितना करंट कैरी कर रहा है माइनस आई जब बी और सी वाले दो कंडक्टर्स को एक कंडक्टर से रिप्लेस करोगे जो कितना करंट कैरी कर रहा है माइनस आई तब उसे कितने डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा अंडर रूड डी ए बी डी ए सी कितने पे लगाना पड़ेगा? बात को समझो थोड़ा फील करो मेरे भाई तीन कंडक्टर थे ये एक कंडक्टर था इसमें दो कंडक्टर म्यूचुअल बना रहे थे ये दो कंडक्टर की जगह अगर एक कंडक्टर ले आए तो इससे कितने डिस्टेंस पे रखें दैट इज जी एम डी समझ गए एक कंडक्टर में अगर 50 कंडक्टर म्यूचुअल बनाते हैं उन 50 को अगर एक से रिप्लेस करो तो उसे इसके कितनी दूरी पे लाके रखना पड़ेगा दैट इज जी एम डी और वो कितना आया ज्योमेट्रिक मीन आया ना ज्योमेट्रिक मीन आया इसीलिए इसको ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस बोला गया समझ गए ये बात क्लियर हो गई तो देखो हमें बेसिक चीजें समझ आ गई इंडक्टेंस तो आज मैंने क्या क्या बता दिया इंटरनल इंडक्टेंस एक्सटर्नल टोटल सिंगल फेस टू वायर लाइन और इसके अंदर मैंने और क्या बता दिया आपको फ्लक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट फ्लक्स लिंकेज ठीक है लेकिन जब हमारा इंडक्टेंस कंप्लीट होगा तो मैं एक जगह आपको सारे फॉर्मुले समराइज कराऊंगा अभी इंडक्टेंस बस स्टार्ट हुआ है इंडक्टेंस बस स्टार्ट हुआ है तो मैं आपको सारे फॉर्मूले डिराइव कराने के बाद सारे फॉर्मूले लिखवाने के बाद समराइज कराऊंगा न्यूमेरिकल से पहले इसीलिए समरी के पीछे अभी मत भागो पहले कंसेप्ट सीख लो मैं समराइज करा दूंगा बिफोर वी गो टू न्यूमेरिकल ठीक है ना तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर इन अ ग्रुप ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ठीक है ये फॉर्मूला ना बहुत कम लोग पढ़ाते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं आपको रेडियो इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा ना तब आप समझोगे कि पावर लाइन और टेलीफोन लाइन के अंदर कैसे इंडक्शन होता है ठीक है चलो तो अभी के लिए मैं आपको एक बार बेसिक बेसिक चीजें समराइज करा देता हूं क्योंकि नहीं तो बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें रह जाएंगी ठीक है नहीं तो सोचेंगे सर ने समरी नहीं लिखवाई कुछ बच्चे शुरू से वेट इसीलिए कर रहे हैं कि समरी दी जाए और मेरे भाई अगर टेलीग्राम चैनल मांगते रहते हो तो रुका तो करो लास्ट तक कुछ बच्चे भागने पहले लगेंगे फिर कहेंगे नोट्स का है अरे भाई नोट्स का ही बता रहे हैं लेकिन रुकना जरूरी है ना उसके लिए ठीक है फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूं मैं यहाँ पे आर डैश क्या होता है पॉइंट सेवन सेवन एट एट आर जिसको कि हम कहते हैं जी एम आर ये टोटल हो जाती है सिंगल फेज वाली ट्रांसमिशन लाइन का कितना आया था म्यू नॉट बाय पाई एल एन डी बाय अंडर रूट आर वन डैश आर टू डैश ठीक है या इसको अब जब हम मिली हेनरी पर किलोमीटर में ले गए थे तो पॉइंट टू की जगह पॉइंट फोर आ गया था ठीक है ये हो गया था और फ्लक्स लिंकेज का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया आज मैंने इतनी चीजें आपको समझा दी हैं तो आज हमारा एक तरीके से पहला लेक्चर ऐसा था जिसके अंदर न्यूमेरिकल टॉपिक डिस्कस हुआ है ठीक है तो अब कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बंडल्ड कंडक्टर के बारे में उसके लिए ना ये सब फॉर्मूला मुझे चाहिए था ये जो मैंने फ्लक्स लिंकेज वाला कराया है ये फॉर्मूला मुझे चाहिए था बट ये सब फॉर्मूला यूज करके कल मैं आपको बहुत नेक्स्ट लेवल पे एकदम बंडल्ड कंडक्टर समझाने वाला हूं ठीक है चलो अब देखो मेरे भाई जैसा मैंने आपको बता भी रखा है साढ़े आठ बजे मेरी क्लास होती है बीजेटी की आज, आज आज और चलेगी उसमें बीजेटी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ आजाना टाइनल डॉट कॉम स्लैश अंकित अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में लिंक मिल जाएगा जो जो क्लास हो चुकी है सब्जेक्ट वाइज फोल्डर में मिल जाएगा और अभी टेलीग्राम चैनल बता दूंगा जितने लोगों को जानना है और प्लस पे आते हो तो मिलता है डाउट सॉल्विंग भी की जाती है आपके सारे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं ट्वेल्व मंथ सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट है ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड जो कि बढ़ने वाली है जो कि बढ़ने वाली है इन अ वीक एक हफ्ते में बढ़ जाएगी तो कोड लगाओ अंकित ई सी जल्दी से आ जाओ वरना बाद में पछताओ आइकॉनिक पे आते हो तो मिलता है पर्सनल कोच जिससे आप डेली चैट कर सकते हो और हर दो हफ्ते में वीडियो कॉल अरेंज करके अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस समझ सकते हो और वो आपको कदम कदम पे गाइड करेगा आपका हैंड होल्ड करके आपको गेट तक ईएस तक लेकर के जाएगा और साथ साथ मिलेगा स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के अलावा स्टडी मटेरियल के अलावा आपको मिलेगा ईएससी का क्यू एंड ए प्रैक्टिस ठीक है इसके अलावा मिलेगा स्टडी प्लानर और इसके अलावा आपको मिलता है मेरे भाई एक्सपर्ट गाइडलाइन 12 महीने की फीस है 4500 अगर आप कोड लगाते हो अंकित ई अंकित ई से इमीजिएट 10 परसेंट डिस्काउंट मिलता है और साथ साथ आप आ जाते हो मेरी गाइडेंस में आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट डेबिट कार्ड ईएमआई नेट बैंकिंग से या आप पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड पे जो ई मिलेगा डेबिट कार्ड पे कौन कौन से ई एम अवेलेबल है एच और बजाज फिंसव बट मेरे भाई ये कोड मत भूलना अंकित अब जहां कर जाना और यहां सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे और ये मेरा अन अकेडमी प्रोफाइल है आज ही ऐप डाउनलोड करके फॉलो कर लेना ताकि जब जब अन अकेडमी पर लाइव आऊंगा कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन लेके आपका वो मिस नहीं होगा इसके अलावा मेरे भाई इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे इलेक्ट्रिकल जंक्शन यहां शॉर्ट वीडियो डालूंगा और काफी अच्छे पे डालूंगा इसके अलावा अन गेट क्वेश्चन पीवाईक्यू क्यू के सोल्यूशन मिलेंगे तेलुगु इफ यू आर अ तेलुगु स्पीकिंग स्टूडेंट पाठशाला टू लर्न इंजीनियरिंग थ्रू एनिमेशन फाउंडेशन टू लर्न द बेसिक्स एंड एस एस सी जेई फॉर जेई एंड एग्जाम ये सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो ठीक है तो थैंक यू एवरीबडी अब मिलेंगे कल शाम को सात बजे बंडल्ड कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे <coughs> तब तब जाके आपके सारे कंडक्टर बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे थैंक यू